Hello, class. Now question number 4 from 12.2 exercise. Question is that a chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding first part minor segment and second part major sector. एक सर्कल है जिसकी एक कॉर्ड है, जैसे हम इसको ए बी नेम दे दें, ये ए बी एक कॉर्ड हो गई. दिस कॉर्ड सबटेंड्स एंगल 90 डिग्री एट सेंटर. ये कॉर्ड इस सेंटर पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मीन्स दिस पोर्शन एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. सेक्टर फिर ये पूरा इतना होता है, ये माइनर सेक्टर होता है. तो मेजर सेगमेंट में कौन सा पोर्शन आएगा? मेजर सेगमेंट में ये पोर्शन पूरा का पूरा आएगा. ये इतना जो आप देख रहे हैं ये मेजर सेगमेंट में आएगा और मेजर सेक्टर में आएगा और ये माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट के लिए जितने भी फार्मूले मैंने लिखवाए थे वो माइनर के लिए थे, चाहे वो सेक्टर हो और चाहे सेगमेंट हो. तो फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिस इज इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इनटू आर स्क्वायर, वेयर वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, थीटा की वैल्यू 90 पुट करनी है. अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा और इनटू 10 स्क्वायर 100. अब इसको सॉल्व अपने आप कर लीजिएगा, ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा. नाउ सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया है. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर देखिए कॉमन है, वो कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस थीटा अपॉन 360. अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर आर की वैल्यू 10 इंटू 10, पाई की वैल्यू 3.14, थीटा 90. इसको कैंसिल कर लेते हैं थोड़ा सा, रिड्यूस 1/4, 4 से एलसीएम लेंगे, 4 बन जा 4 माइनस 1 दिस इज 3/4, 3.14 10 10 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरोस इसके हटेंगे तो डेसिमल यहां से हट जाएगा क्योंकि 2 डिजिट यहां पर रहते थे. 14 इंटू 3/4 सॉल्व करेंगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट सेंटर. ओके, तो इससे हम ये जान गए कि आर इज 21 एंड थीटा इज 60 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट. लेंथ ऑफ आर्क द फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर. नाउ इस पे क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे वैल्यूज को पाई और आर की और थीटा की. तो ये वैल्यूज पुट किए, सॉल्व करें तो देखिए 0 0 6 बन जा 6 6 जा, ठीक है. अब देखिए 2 3 जा और इस 3 से 7 जा और इस 7 से ये भी 7, तो 22 बन जाए, ठीक है. अब इसके बाद देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा पर पाई आर स्क्वायर, ये भी सॉल्व कर लीजिएगा तो 231 आ जाएगा सॉल्व करके. एरिया ऑफ सेगमेंट फार्मूला यूज़ करेंगे, पाई थीटा पर 360 माइनस साइन थीटा. मतलब ये है कि अगर हमको आर और थीटा ये दो चीज़ें पता चल गई तो लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट वी कैन फाइंड, ठीक है. फिर इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 पुट की गई, रूट 3/2 और 2 पहले से भी नीचे था तो 2 2 जा वही 4 हो गया है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. A chord of circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. A circle radius उसकी 12 है और angle subtend कर रही है उसकी chord कितनी, 120 degree. ठीक, find the area of the corresponding segment. Pi की वैल्यू क्या और root 3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे wherever ये वैल्यू फाइंड होंगी. एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला ये होता है, पाई की वैल्यू 3.14, थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360 इंटू माइनस साइन 120 अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू 12. अब देखिए 0 गया, 12 3 था, 3.14 अपॉन 3 माइनस साइन 20. देखिए साइन 20 जो होता है, साइन 120 दिस इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, साइन 120 की वैल्यू होती है तो रूट 3 अपॉन 2 जब करेंगे तो 2 2 जो 4 हो जाएगा. ठीक, बाकी आगे सॉल्व किया है इसको, इजीली सॉल्व किया है. देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8. ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड. एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसकी साइड है 15 मीटर. ओके, साइड बाय ऑफ द साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. इसकी कॉर्नर पर एक हॉर्स को टाई कर दिया, बांध दिया गया है और जिस रस्सी से वो बंधा है रोप से, उस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर.
तो जब वो ग्रेजिंग करेगा, ये जो स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है इसमें घास चरेगा जब वो, तो वो यहाँ ज़्यादा ज़्यादा लेंथ इतनी जा सकता है और इधर ज़्यादा ज़्यादा इतना लेंथ जा सकता है। इसी तरीके से वो इतनी ही तो एरिया में केवल ग्रेजिंग कर पाएगा, घास चर पाएगा केवल इतने एरिया में। और ये एरिया आपको किस शेप में लग रहा है, ये अगर इसमें हम पूरा सर्कल कंप्लीट कर दें हम 5 मीटर रेडियस के लिए, तो ये एक सेक्टर नहीं हो गया, एक सेक्टर जैसा हो गया। तो पहला पार्ट में फाइंड हमें ये करना, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जिस एरिया में हॉर्स ग्रेजिंग कर रहा है, घास चल रहा है, वो एरिया का हमें उस फील्ड का एरिया चाहिए है। तो इसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हम आर की वैल्यू 5 मीटर यूज करेंगे और थीटा 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर था, फील्ड जो थी स्क्वायर से, तो ये 90 डिग्री, तो आर इज़ 5, थीटा इज़ 90, एरिया ऑफ सेक्टर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वैल्यूज पुट की है, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 दी गई, इसलिए 3.14 यूज किया गया है। सॉल्व कर लेंगे 90.625 आ जाएगा। ठीक, सेकंड पार्ट क्या है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अच्छा, अब अगर ये जो रस्सी बंधी हुई थी हॉर्स में, उस अगर रोप को 5 मीटर की बजाय चेंज कर दिया जाए, वो 10 मीटर कर दी जाए, तो अब वो यहाँ से इतना, अब वो इतना एरिया ग्रेज कर लेगा, इतने एरिया में घास चलेगा। लेकिन पूछा गया था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया उसका ग्रेजिंग का इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ एरिया तो केवल ये वाला है, देखिए ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इंक्रीज हो गया है ग्रेजिंग एरिया। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे बड़े सेक्टर के एरिया फाइंड करेंगे पहले, और इस बड़े सेक्टर के एरिया में से इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये ग्रेजिंग इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकल आएगा। तो सॉल्यूशन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 10 मीटर, देन आर इज 10 मीटर, नाउ द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया क्या, वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें हम आर की वैल्यू 10 और थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व किया और इस बड़े वाले एरिया को, बड़े सेक्टर के एरिया को A2 से नोट कर लिया, जो कि आ गया 78.5, और जो ये छोटे वाले सेक्टर फर्स्ट पार्ट में जो एरिया में फाइंड किया था उसको हमने A1 से नोट कर लिया। इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया क्या होगा, ये जो बड़ा एरिया है A2 माइनस छोटा एरिया A1, तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया A2 माइनस A1 माइनस कर देंगे, तो इससे आंसर क्लियर।